जान ठाकुर साहब, तुझे मालूम है कि आज चाचा जी के हमारे हाथों से मौत हो गई। हाँ। सारा मूड खराब हो गया। मूड खराब है, जांच कराओ। और हम जांच कराओ, गुर्दा खराब हुए हैं। हमारा मुंह तो खराब है भांसड़े के। कहा दिया साले, हम जांच कराए। अरे मूड मूड मुंड मुंड का कह दो, पुंड भांसड़े के। अश्वाग, हेलो नौकर सुभाष। सारा मूड खराब हो जाने के बाद मैंने दिल में विचार किया कि आज हम घूमने और टहलने के लिए चलेंगे। आए? आज अपने कॉलेज की तरफ चलेंगे। कॉलेज? सुना है कि कॉलेज में अच्छी अच्छी लौंडियां। कॉलेज में लौंडियों का जब करूंगा दीदा आ? तो शेर सिंह का दिल जरूर बहल। वह झुंड में भकाऊ ढकेल दे चले, बहुत मारे जाओगे। हेलो, और इसी के साथ ही हमारे भाई साहब राम सहाय गौतम भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आप लोगों की सीट पर है। भाई साहब को धन्यवाद। नौकर, आज का मौसम कितना हसीन है। बहुत हसीन है। और झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना। इतना समय हो गया है, मेरे साथ की सहेली जा चुकी है, अकेले कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज गुनगुनाते जाऊंगी, भाई मेरे पढ़ने में ना लगे दिल। यही पगडंडी गई। इसी रास्ते पे मेरा दिल क्या कहता है, क्या कहता है? और दिल का है रुक जा रे रुक जा, यही पे कहीं जो जो में खोल कितने अच्छे बोलती है। भुतहान में धर दे हो साले, ऐसा चौंक रहे हो, भुतहान है ये? किसी लड़की की आवाज है रे। लड़की है कोई, चुड़ैल है साले तुम हो बेवकूफ। न जाने क्यों नौकर,
आज मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये सुरीली आवाज हाँ सिर्फ को अपनी तरफ खींच रही रे। ऐसे माहौल कोई ना उतर दिखाओगे हम का भूत पकड़े बहुत सारे साले नाउत बुलाए रहे नहीं रे इस आवाज का पता तो हमें लगाना ही होगा तुम्हें लगाना वास्तव में कितनी सुरीली आवाज है इस आवाज पे ये दिल कुर्बान हो गया इस आवाज के लिए चाहे शेर सिंह का सब कुछ इसको हो गया और अरे ये दो एग्जीबिशन इतनी तेजी से जा रहे हैं आखिर किस लिए देखो देखो कितनी तेज हो भाई साहब ठहरो काले जा रहे हो क्या मैं भी चलूंगा यार ऐ अरे ये सामने जो लड़की जा रही है हाथ में पुस्तक है ये काले जा रही है मुझे लगता है ये दो इंसान इस लड़की के पीछे लगे भी हैं आखिर क्यों मैं चलकर देखता हूं इस लड़की का पीछा क्यों करते हैं क्या बताऊं भाई चरिका चले मजद और ये हमारे भाई साहब राम साहब गौतम भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आपकी सीन पर खुश होकर है भाई साहब को धन्यवाद भाई चरिका चले मजद मारे हो बहन ना कमो जा रहा है क्या गाना गा रहे चरख चल मजेदार लौंड मांग उधार हम ते जाता सिख भरोसा की नौकर भगवान कसम कितनी खूबसूरत है ये बहुत खूबसूरत है अरे तुम का संग में लायक बहुत सारी पुस्तक सचमुच अब तो इसे हमें प्यार हो गया है इसकी सूरत को देखा भगवान कसम और कितना प्यारा है वो चेहरा
नौकर ओई हट साड़ी की ओई नहीं, ऐसा करो अब तुम यहां से जाओ। हम कह रहे हैं अब यहां से तुम जाओ। आ कहे हो आ कहे हो हम कह रहे हैं अब तुम जाओ। अब हम जाओ चलो चलो अब हम जाए हाँ भाई जाओ चलो। नमस्ते नमस्ते आपका नाम क्या है आप कहाँ रहते हो कैसे अचानक मेरे रास्ते में आ गए। सर से लेकर पांव तक कयामत। अरे जी सचमुच जो तुम्हें एक बार देखे क्यों ना दीवाना हो जाए। क्या कहना चाहते हो इतनी मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो। सचमुच मेरी जान तुम्हें तो आंखें मीच करके मैं चाहूं तो अपनी बाहों में ले सकता हूं। तुम्हारी अदा इतनी अरे मेरी जान तो बहुत जल्दी मेरी बाहों में आ गई। अरे भगवान कसम तुम्हारे चेहरे हम कितने मूर्ख दीवाना हैं जो तुम कहां पकड़ आए बहुत सड़की पर। अरे कौन कैसे आए हो मुझे आ रहा है क्या रे कैला निवर्ता कब तक सुनू। अरे यार सारे बेवकूफ मर गए तुम भाई जिंदा ही हो बहुत सारी निवर्ता कब तक सुनू। अरे निवर्ता निकल गए हवन भी हो गया है? हम हवन कर तेरी। अरे यार अब अगली अगले निवर्तों की तैयारी करो चलो। तुम्हारा नाम क्या है। हमारा नाम वाले जानने से पहले और क्या मैं आपकी कुछ तारीफ करना चाहता हूँ। क्या है गजगामिनी पंकज मुखी मद हरण मद भामिनी रहती कहाँ किस चाप पे हो सुख बदन मन भामिनी राम लाल की मैं सुता दुर्गा में कहती हूँ गाँव मेरा कॉलेज पढ़ने जाती हूँ। जबलपुर में जमलापुर की रहने वाली हो। अरे तुम्हारे बाप का नाम रामलाल रामलाल की सुता हूँ लेकिन मैं छोटी जब थी मेरी माँ जी खत्म हो गई थी तो मेरे पिताजी मुझे ननिहाल में कलाए थे। पता नहीं तुम्हारे पिताजी कौन और तुम्हारे मामा कौन से मौसमी का जूस तुम्हें पिलाया भगवान। ए, अपनी जुबान संभाल के बातें करिए भगवान कसम बिल्कुल कदकदम्मा। ए दुर्गा ए दुर्गा सच कहूँ मत करो इतना श्रृंगार मेरी जान मत करो इतना संगार वरना दिन का तापमान बदल जाएगा मैडम। मत करो इतना संगार वरना दिन का तापमान बदल जाएगा। अरे हम तो है नौजवान तो इन बुद्धों का ईमान तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है और जो हर नजर देखे वो तड़पता। ए दुर्गा तुमने तो हमें बेताब कर दिया। देखो अपनी जुबान संभाल के बात करिए। ए दुर्गा और किया बेताब दुर्गा मेरा हुआ मैं
जाना नहीं चाहती हूँ शेर सिंह। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी मेरी जान? अरे इतना नखरा नहीं करते हैं मेरी जान। अरे शेर सिंह, सचमुच प्यार करना तो प्यार है। ये दुर्गा, ये दुर्गा तेरी शकल पे एक बार नहीं लाख बार। दुर्गा मैं तुझसे प्यार करूंगी। अरे अपनी शकल किसी शीशे में जाकर देखी, मानव कौन बोध हुआ मानव? सचमुच मेरी जान, सचमुच तूने अच्छा नहीं किया। क्या नहीं अच्छा किया है? अरे शेर सिंह तुझे किसी लड़की के साथ में बदतमीजी करोगी, आपकी आरती उतारेगी क्या? मैं तुझसे दिल और जान से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं जान करती हूँ, चली जा। कर ले मुझसे प्यार दुर्गा, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कुछ भी करो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। जा दुर्गा, तुझे मुझसे प्यार करना ही होगा। मैं नहीं करूंगी। अगर तूने मुझसे प्यार नहीं किया, क्या कर लोगे मेरा? तो कसम है हमारे बाप की। बाप की कसम खाई है तू, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ये थूक तूने जो मेरे मुंह पे थूका है, एक बार नहीं बार बार थूक, तो इस बात का वादा है यही खून तेरे जिस्म में अगर खून बन के मैंने ना दौड़ाया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं। इतनी बड़ी लड़की मुझे मत दीजिए, अपने पिताजी को दीजिए। तो ठीक है, ये दुर्गा कोई ऐसी लड़की नहीं है। तो देखता हूँ दुर्गा तुझे आज कौन बचाएगा। अरे बचाने वाला तो मेरे भगवान है कुत्ते। बोलो अपने भगवान को। तुम भगवान दे रहे हो ना? भगवान ना दे रहे, जले हम यहाँ। ये क्यों? भगवान ही आई है नल, जले हम आई है हम आहन तले कौन मुँह लेके आई है? क्या मतलब क्या है? भगवान हमारे यहाँ आए रहे सावन। भगवान कहीं हमारे लंघन है अढ़िया पर भगवान आटा लेके आ जाओ ना दे पाए। जस आई है तस आटा मांगी। अरे ये ऊपर वाले की भगवान की बात कर रही है? हम ऊपर वाले बताए, वही पुरवा वाले ऊंचे वाले। ऊंचे वाले पुरवा? हाँ। अरे उनका नाम है भगवान दी। ऊंचे पुरवा? हाँ भगवान दी। दा तेरे माचो दा हट। और ये हमारे भाई साहब राम सहाय गौतम भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आप लोगों की सीन पर खुश होकर है। उनका कहना प्यार झमक के दिखाओ। सच कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना ही पड़ता है। छोड़ दो मेरी बात, मान जाओ। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकते। Ah!
करोड़ा और कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? शायद तू मुझे नहीं जानता है। मेरा नाम पवन है, जिला जबलपुर, गांव जमलापुर का रहने वाला हूँ। और तेरा क्या नाम है, कहाँ रहता है? तो हमारे रियासत का रहने वाला है। रियासत जानना चाहता है तो समझा नहीं। जमलापुर के जमींदार ठाकुर अमर सिंह को तो बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा। अमर सिंह? हाँ, रियासत के जमींदार। हाँ, उन्हीं का इकलौता बेटा, मेरा नाम शेर सिंह है। और हमारी तुम्हें समझा रहा हूँ, इसी वक्त अपनी धुन दबाओ और पत्री गली से खंबा चाकर। रईस ठाकुर जमींदार अमर सिंह का बेटा है, तो तेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह, शिकार तो शेर का किया जाता है, तू तो कितना गिदड़ इंसान है इस लड़कियों के ऊपर। आए चिल्लाओ नहीं शेर सिंह। पवन तू ये नहीं जानता किससे बात करता है। शेर सिंह के सामने बोलने वाला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ और तपा हो जाओ यहाँ से। खैर तुम्हारी बात है शेर सिंह, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये मेरा शिकार है, इससे मैं निपटूंगा। तुम यहाँ अकेले आए हो, अकेले जाओगे वरना। हमने कहा ना, शिकार शेर का किया जाता है। शेर सिंह अपने आप को शेर सिंह कहलाता है, तुझे शर्म नहीं आती है? हमारे काम में रुकावट बन रहा है। शेर सिंह एक बात समझा दूं, मेरी बात जरा अच्छी प्रकार से अपने भेजे में उतार लो। जब तक कि हमारा जूता हम निकाल कर अपने हाथ में लाएं, जूता निकालने से पहले अगर तुम यहां से नहीं गए, ये नजारा है जो तुम्हारे नीचे गिरा दूंगा साले।